हूँ अभिलाषा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एक टेम्पो चालक के पुलिस भतीजे ने अपना रौब दिखाकर घर हड़पने का मामला सामने आया है। भुक्तभोगी टेम्पो चालक के परिवार विगत कई महीनों से न्याय की आस में प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक दर दर भटकने को ही मजबूर है। मामला सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 10 नंबर बस्ती सुर्खिया रोड का है, जहाँ सूर्यनाथ यादव अपने पत्नी कंचन देवी और अपने दो बच्चों के साथ अपने पैतृक आवास में कई वर्षों से रहते आ रहे हैं। उसी घर के एक हिस्से में उसके बड़े भाई का भी परिवार रहता है। बड़े भाई के निधन के बाद ही उसका भतीजा सिद्धनाथ यादव चाचा के घर को भी हड़पना चाहता है। चाचा सूर्यनाथ यादव का कहना है कि उसका भतीजा पुलिस में है और वह हजारीबाग के एएसपी का बॉडीगार्ड है। इसी का रौब दिखाकर वह इन्हें काफी यातनाएं देता है और घर छोड़ देने का दबाव बनाता है, जिसको लेकर भुक्तभोगी परिवार विगत कई महीनों से जिले के उपायुक्त एएसपी और सिटी एसपी से भेंट कर भतीजे के खिलाफ शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है और किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाया है। सूर्यनाथ का आरोप है कि अब भतीजा और उसका परिवार अपना पद का रौब दिखाते हुए मारपीट पर उतारू हो चुके हैं, जिससे वे काफी डरे और सहमे हुए हैं और एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ अपनी पत्नी कंचन को लेकर एएसपी कार्यालय पहुंचे ताकि उन्हें इस बार न्याय मिल सके। सर, मेरा भतीजा शिवनाथ यादव जो कि झारखंड पुलिस बल में है सर, मेरा हिस्सा हड़पने के लिए सर तरह तरह का अत्याचार कर रहा है। मेरा बिजली का लाइन एक साल से काट दिया सर, और पीछे वाला दरवाज़ा में ताला लगा दिया, बाथरूम में ताला लगा दिया, बच्चों के साथ मेरा मैंने ये मारपीट करता, हम लोग के साथ मारपीट करता, बराबर जो है जान मारने का धमकी देता, खाली जो है मेरा मैंने हिस्सा हड़पने का जबकि वो बोल रहा है कि हम 10 साल से केस लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी घर तोड़ के सर बना रहा है, कोई इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी ना कोई नया निर्माण कर सकता है सर उसमें, लेकिन कहीं कोई सुना। दो बार में एसपी से मिले, थाने के संपर्क में 11 फरवरी से, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, ना समाज का बात मान रहा, ना थाना का बात मान रहा, कोर्ट का भी जो अवहेलना कर रहा आदेश का, ये अपना दबंगई या प्रभाव के चलते सर जो है ना पूरा मतलब हम लोग को ये किया हुआ अत्याचार कर रहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा, हम लोग बहुत सर परेशान है। बच्चा हम मेरा सर छोटा छोटा है, बेटा मेरा जो है 5 क्लास में, बेटी 3 में, एक साल उसका पढ़ाई बर्बाद हो गया सर, तो इसलिए हम लोग कैसे अंधेरे में रहते हैं सर, गर्मी में परेशान हो जाते हैं, इतना सर अत्याचार मतलब किया है, कोई सुनता नहीं है सर, क्योंकि पुलिस में है सर, इसलिए हम लोग का कोई सुनता, हम लोग गरीब आदमी है सर। कौन थाना में है? सिद्धगोड़ा थाना, ये हजारीबाग थाना में है, अभी घर बनाने के लिए आया हुआ, मतलब वो पोस्टिंग हजारीबाग थाना में, तो क्या पद में है वो? एसपी का बॉडीगार्ड में है। हजारीबाग का? जी, एसपी का बॉडीगार्ड में है। आपका घर कहाँ? मेरा घर सर 10 नंबर बस्ती में रहते हैं सर, 55 साल उस घर में सर हम है। तो आपका जो भतीजा वो भी साथे में रहता है? साथे में रहता है, 2 रूम में वो रहता है, 2 रूम में हम रहते हैं, और उसका 4 रूम है, मेरा 2 रूम है, लेकिन हमको वहाँ से ना वो निकालना चाहता है, पूरा मैंने दखल करना चाहता है, इसलिए तरह तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। अत्याचार कितना साल से इस तरह से कर रहा है? ये सर 22 साल हो गया सर। 22 साल से लगातार ऐसे ही हड़पने का प्रयास कर रहा है? हड़पने का प्रयास कर 22 साल से ये कर रहे हैं। तो अभी आप लोग इतना साल से हो रहा था, अभी आप लोग क्या आ रहे हैं? अभी तो सर बहुत ज्यादा कर दिया, अभी घर जो है मामला जो है कोर्ट में, उसके बावजूद भी घर तोड़ के बना रहा सर, हम लोग क्या करें सर, कमजोर आदमी का सुनवाई। मतलब आपका घर कमरे को भी तोड़ रहा? मेरा तो ये है, लेकिन मेरा जो है 1.5 फुट जो है ना जगह ले लिया, पूरा पार्टीशन कर नहीं रहा, जहाँ जगह मेरा अपना मैंने ये अतिक्रमण करके बना दिया। तो अभी आप लोग उस घर में है कि नहीं? जी, 2 रूम में है सर, लेकिन बहुत मैंने तकलीफ से है सर। क्या मारपीट वगैरह भी करता है? मारपीट भी करता है, धमकाता है सर, चप्पल से मारती है, अच्छा उठाती है, बच्चे लोग को पाती है, मार दिया चप्पल उठाए से। मार देंगे। क्या नाम है आपका भतीजा का? भतीजा का शिवनाथ यादव सर। आपका? मेरा सूर्यनाथ यादव। पत्नी का? पत्नी कंचन देवी सर, चप्पल से मारती है। इधर इस मामले में एएसपी डॉक्टर तमिलवानन ने कहा कि अब तक यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आई है और अगर शिकायत आती है तो जांच कर कानून समेत कार्यवाही की जाएगी। उनके चाचा का कहना है कि पद का दुरुपयोग करके उनका घर हड़पते हैं, कई बार आप लोगों के पास भी सूचना। वो उनका जो भतीजा है
वो जो है हजारीबाग में एसएसपी के गार्ड है, वो अपना पद का इस्तेमाल करते हुए इनका चाचा का घर को भी हड़पना चाहते हैं। इसकी सूचना आप तक भी आई है सर? इसमें कुछ बता सकते? उनका कहना है कि एक दो महीना में सर के पास भी गए। उनको कहना अलग बात है, लेकिन हमारा इस मामले में कोई संज्ञान नहीं है। अगर ऐसा बात सामने आती है तो सर क्या? किसी को संबंधित थाना अपना जांच करेगा, और यदि मान के चलेगा कि उनके द्वारा जो है अपना पद का दुरुपयोग किया जाता है, इस संबंध में संबंधित जिला अधिक पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया जाएगा, वहां उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, जांच करके कार्रवाई होगी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।